धर्मेंद्र जी, एक बात आपको समझना पड़ेगा, जो हमारे संस्कृति है भारत के लोगों की, 9341 साल एक शोध के कारण पता लगता है कि रामायण काल तब का था, तब रावण ने एक बड़ा पाप किया था, वो सीता का हरण करके ले गया। उसके पास करोड़ों सैनिक थी, लेकिन उसने सीता जी के शरीर को छेड़ा नहीं। और इतना बड़ा पाप करने के लिए तब उस पापी के खिलाफ हमारे देश में राम के साथ में बानर, भालू और गिद्ध, मतलब मैं कहूं पशु और पक्षी भी साथ खड़े हुए, पूरी प्रकृति एक तरफ हो गई थी और रावण को हरा डाला। रावण का भाई विभीषण भी रावण के खिलाफ खड़ा हुआ, आप समझ लीजिएगा। और वो जो पाप किया था सीता को ले जाने का, हम तब से लेकर अब तक हर साल इस बुराई को जलाते हैं दशहरे के दिन रावण के प्रतीक के रूप में। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है मेरे देश में। आज आजाद भारत में संविधान है, देश में सबके कानून है, लेकिन क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि मॉब लिंचिंग करके, जय श्री राम करके एक युवा को छाती पर कूद कूद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये वीडियो हमारे से वायरल हो रहा है, पुलिस खड़ी है वहां, पब्लिक भी खड़ी है। और मजेदार बात है कि सारे के सारे वीडियो बना रहे हैं। और हमारे देश में एक संघ परिवार है जिसकी केंद्र से लेकर देश के कई राज्यों में सरकार चल रही है, उसके मुखिया मोहन भागवत आज क्या बोले, विजयदशमी के दिन उन्होंने अवैध हथियारों की नुमाइश लगाकर उसकी पूजा करके और चेतावनी दी और कहा हमारे देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अरे अफसोस की बात है, मोहन भागवत अगर ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलता, ये आदेश करता कि खबरदार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं हुआ। इससे बड़ा रावण और क्या हो सकता है, वो रावण जिसने छाती पे कूद कूद करके जय श्री राम बोल करके मार डाला, हत्या कर डाली, उससे बड़ा कोई रावण हो सकता है, जो वहां बैठे खड़े थे वो पुलिसकर्मी से लेकर तमाम, वो क्या रावण से कम है? ये जो मोहन भागवत ने कहा मॉब लिंचिंग के खिलाफ मत बोलो, ये क्या रावण से कम है? हम ये कहना चाहते हैं धर्मेंद्र जी कि सत्ता में बैठे लोग रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। आपके सामने अभी एक शाहजहांपुर का मामला है, संत चिन्मयानंद का, संत चिन्मयानंद पर बलात्कार का केस पहली बार नहीं है, 2011 का भी है। और चिन्मयानंद के साथ में देश के मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से लेकर हमारे राष्ट्रपति के फोटो भी तो वायरल हो ही रहे हैं। और अभी देखिए संतों का सबसे बड़ा जो संगठन है अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, वो चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद प्रस्ताव पास करता है और कहता है खबरदार गलत काम किया, पाप किया चिन्मयानंद ने। और ये बात कर रहा हूं मैं 21 तारीख की, सितंबर की। और अभी देखो दशहरे से एक दिन पहले हुई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं पूरा अखाड़ा परिषद चिन्मयानंद के साथ है, संत चिन्मयानंद के साथ। इसका मतलब इससे बड़ा रावण और क्या हो सकता है? संतों का अध्यक्ष कहे कि हम पीड़िता के खिलाफ और बलात्कारी के पक्ष में है, इससे बड़ा भी कोई रावण, छोटा कोई रावण हो सकता है? यानी कि एक दौर वो था जब रावण ने जो बुराई किया, जो पाप किया, उसको जो है हराने के लिए पूरी प्रकृति एक हो गई थी। और आज का एक दौर है जब सीता रूपी जो कन्या है, जो सीता रूपी जो बच्चियां हैं, उनको साथ में जो गलत कार्य होते हैं उनको बचाने के लिए जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है न्याय करने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज को बचाने की, और वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जो असली रावण को जलाना और असली रावण की जो बुराइयों को जो खत्म करना, शायद वो काम हम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बल्कि हम इसके देखो बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। ये एक इवेंट्स के रूप में रह गया, मनोरंजन का जरिया बन गया है, जो तब सच में बुराई और पाप का जरिया था कि एक महिला को उसकी इच्छा के बगैर हरण करके ले गया। अरे आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी विचित्र स्थिति आज हमारे देश के अंदर आ गई है कि बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी है, हमारे देश में मॉब लिंचिंग होती है उसके खिलाफ में देश के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे तबके के लोग वो खड़े होकर के लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री को, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब आप समझ लीजिएगा इससे बड़ा रावणपन और क्या धर्मेंद्र जी हो सकता है। मैं तो हैरान हूं, बल्कि मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि संतों का सबसे बड़ा जो संगठन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अपने विवेक से बलात्कारी के आरोपी संत चिन्मयानंद के पक्ष में बयान दिया, तो अखाड़ा परिषद को तत्काल महंत नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। और यदि यह सारा का सारा फैसला सच में संतों के अखाड़ा परिषद का है, तो हम भारत के लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं आज रावण के पुतले के दहन के दिन दशहरे के पर्व पर
कि हम ऐसे संत समाज का बहिष्कार करते हैं जो मेरे देश की बेटियों का शोषण और बलात्कार करने वाले संत चिन्मयानंद के साथ खड़ा होता है। और यदि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी और योगी के दबाव में अगर महंत नरेंद्र गिरी ने यह बयान दिया है तो खुलासा करें, पूरा भारत उनके साथ खड़ा होता है। और नहीं, अगर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और संत का अखाड़ा परिषद यदि हमारे देश की बेटी पीड़िता के खिलाफ खड़ा होता है, बलात्कार के पक्ष में खड़ा होता है, तो इन सब को हम चुनौती देते हैं। हम पूरे भारत के लोग बेटी के साथ है और बलात्कार के खिलाफ थे, उन रावणों के खिलाफ है जो बलात्कार किए, उन रावण के खिलाफ है जो बलात्कार के पक्ष में खड़े रहे, उन रावणों के खिलाफ है जो उनको बचाने की और पैरवी करने की बात कर रहे हैं, उन सारे रावणों का पुतला, उनका अहंकार। हमारे देश में लोकतंत्र है, हम ये तो नहीं कहेंगे हमने फूकेंगे पुतले की तरह, पर लोकतंत्र है मेरे देश का मतदाता। मत भूलो भागवत और मत भूलो मोदी और योगी, तुम्हारे को कुर्सी पर बिठाने वाले तुमको हटाएंगे। ये बात हर घर में, जिसके घर में बेटी है वह बेटी वाला, उसका बहन, उसका भाई, मामा, चाचा, दादा, नाना, मामा, दादी, नानी, ये सब के सब तुमको सबक सिखाएंगे। आज मोदी आ रहे राजधानी दिल्ली में, यहां सुना है द्वारका में वो पुतला फूकने वाले हैं, लेकिन आज तक चिन्मयानंद बलात्कार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, शेंगर के खिलाफ मुंह नहीं खोला। मोहन भागवत बोलता है कि मत बोलो आप मोबलिंग जी के खिलाफ, लेकिन मोहन भागवत और मोहन भागवत से पहले एक भी संगी बलात्कार के खिलाफ नहीं बोलता है। मतलब मेरे देश की बेटियों को तुम खिलौना समझो भागवत, तुम और तुम्हारे तमाम गुर्गों को मैं कहता हूं अपनी औकात में रहना चाहिए। कानून की अगर हम बात करें, संविधान की, महाराष्ट्र में चुनाव है और विजयदशमी के दिन अवैध हथियारों की नुमाइश लगाता है, जबकि चुनाव में धर्मेंद्र जी सबके लाइसेंसी हथियार जब्त करके थाने में जमा होते हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, चुनाव आयोग नहीं बता रहा। इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, इतने बड़े बड़े छुरे, भैया चाकू छुरे लेकर तुम किसके पूजर, किसको करवाओ, किसको मरवाओगे? ये आपको बता दूं, जितने बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को व्यापारी और उद्यमी और बड़े राजनेता बना रहे हैं, वो मेरे देश के किसान और मजदूर के बेटों को हत्यारा बना रहे, उनको जेल जाना पड़ता है। देखिए, आपको जो है तय करना होगा कि आप जो है किस वाले रावण के साथ में है। क्या आप रावण का पुतला जलाने वालों के साथ में है, या सच में रावण का जो अहंकार था, रावण के अंदर की जो बुराइयां थी उनको जो है खत्म करने वालों के साथ में है। आज एक दौर है, एक दौर वो था जब रामचंद्र जी के पास में कहा जाता है कुछ भी नहीं था, वो जो है वनवास के वस्त्रों में निकले थे, और एक रावण जिसकी इतनी जो है विशाल सेना थी, लेकिन उसके खिलाफ भी जो है अच्छाई के लिए लोग जो है राम के साथ में थे, रावण के साथ में नहीं गए थे। देखिए धर्मेंद्र जी, सच्चाई की हर बार जीत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बीच में उदाहरण देते हुए, जब पूरे देश विश्व में ताना साहब खड़े हो रहे थे, युद्ध से कम बात नहीं करते थे, तब गांधी पैदा हुए और गांधी ने कहा अहिंसा। और आज भी गांधी जब आए तो हिंसा ही हिंसा थी पूरे विश्व में, और गांधी ने अहिंसा का मार्ग, क्योंकि सच्चाई थी, गांधी कामयाब हुए। राम के पास सच्चाई थी, रावण के पास छल था, कपट था, पाप था। तो हम एक बता दें कि हम उस रावण पापी रावण के भी खिलाफ थे, और भारत आज भी इन पापियों के खिलाफ है जो मेरी बेटियों का बलात्कार करने वालों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े होने वाले हैं, इन सब रावणों के खिलाफ था और है और रहेगा। और वैचारिक तौर पर आपने कहा, हमारे देश में मैं मानता हूं धर्मेंद्र जी, एक तरफ अगर मेन स्ट्रीम मीडिया सांप की तरह रेंग रहा है इन रावणों की पैरों में, तो दूसरी तरफ मैं बधाई देता हूं आप जैसे जो अभी आपके जैसे मीडिया जो चल रहा है, ये सिर्फ ये नहीं कि मेरी आपसे संवाद हो रहा है, आप जैसे सोशल मीडिया में जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और एक बात आपको बताता हूं, जिस हथियार से आप दुश्मन की हत्या करते हैं, एक दिन वही आपकी मौत का कारण बनता है। आरएसएस ने जितनी अफवाह फैलानी थी, अब वो देश में बेनकाब हो रहा है। आप सब लोग इसको पूरी शिद्दत के साथ उठा रहे हैं, ऐसे मसलों को मैं एक दावे के साथ कहता हूं, आखिरी बात कहता हूं कि इन रावणों का विनाश मेरे देश की जनता वोट में बटन दबाकर करने वाली है।